भी बीमार है, मुझे सब कुछ करना पड़ा तो क्या हुआ, इसकी फिक्र आप क्यों करेंगी? मुझे सजा दीजिए, जो कुछ भी हो, मैंने डिसिप्लिन तोड़ा है। इट्स वेरी बैड, बहुत बुरा है। आई एम सॉरी कुसुम, मुझे ये सब पता नहीं था। गो टू योर क्लास। सिर्फ 15 साल की उम्र से अदाकारी में अपना करियर बनाने वाली अदाकारा गुड्डी मिली, या फिर उनके असल नाम जिया भादरी से पुकारा जाता था, 3 जून 1973 को बॉलीवुड लेजेंड अमिताभ बच्चन से उनकी शादी हुई और फिर ये कहलाने लगी जया बच्चन। जया भादरी का जन्म 9 अप्रैल 1948 को जबलपुर के एक बंगाली खानदान में हुआ। उनकी माँ का नाम था इंदिरा और उनके वालिद मशहूर सहाफी और राइटर तरुण कुमार बहादरी थे। जया बहादरी ने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल भोपाल से तालीम हासिल की। जया के घर में एक इल्म दोस्त माहौल था और अक्सर घर में फनून लतीफा और आर्ट पर बातें होती रहती थी। जया अभी 15 साल की ही थी जब उन्हें मौका मिला मानिकदा यानी मशहूर फिल्म डायरेक्टर सत्यजीत रे की बंगाली फिल्म महानगर में काम करने का। ये मौका जया को उस वक्त मिला जब उनके वालिद उन्हें एक मर्तबा फिल्म की शूटिंग पर अपने साथ लेकर गए और इस फिल्म की हीरोइन शर्मिला टैगोर ने उनको देखा। और ये वो वक्त था जब सत्यजीत रे एक लड़की ढूंढ रहे थे अपनी अगली फिल्म के लिए, जिसकी उम्र भी 13 या 14 साल ही होनी चाहिए थी और जया बहादरी इन तमाम रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरती थी जो सत्यजीत रे चाहते थे। शर्मिला टैगोर ने उन्हें रेकमेंड किया और सत्यजीत रे की फिल्म महानगर के लिए मुंतखब हो गए। और फिर जैसे जया बहादरी को अदाकारी का जुनून हो गया, उनके माँ बाप ने उन्हें FTII पूना में दाखिला दिलवा दिया और यहाँ से जया ने बाकायदा अदाकारी की तरबियत हासिल की। जया ने यहाँ गोल्ड मेडल भी जीता था। जया का कोर्स अभी नामुकम्मल ही था जब उस वक्त के नामवर फिल्म मेकर ऋषिकेश मुखर्जी ने जया की प्रिंसिपल से मुलाकात की और कहा कि आपके यहाँ की स्टूडेंट जया बहादरी को अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता हूँ। और यूं जया को धर्मेंद्र के साथ फिल्म गुड्डी में काम करने का मौका मिला। धर्मेंद्र से पहले गुड्डी के लिए अमिताभ बच्चन को कास्ट किया जा रहा था, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी ने अपना फैसला बदल दिया था। 1972 में जया ने फिल्म जवानी दीवानी में काम किया। ये एक रोमांटिक फिल्म थी और इसके गाने काफी हिट हुए। और फिल्म में उनके हीरो थे रणधीर कपूर। इसके बाद हरी भाई यानी संजीव कुमार के साथ उन्होंने कई फिल्में की, जिनमें फिल्म अनामिका और कोशिश को कौन भुला सकता है। 1972 में फिल्म बंसी बिरजू में जिया पहली मर्तबा अमिताभ बच्चन के साथ पर्दे पर नजर आईं। इसके बाद बच्चन साहब के साथ BR इशारा की फिल्म एक नजर में भी उन्होंने काम किया। कुछ कहे ना। क्या कहूं? जो दिल में है मेरे। आपके दिल में क्या है? जया और अमिताभ बच्चन की पहली मुलाकात पूना इंस्टीट्यूट में हुई थी, जहां बच्चन साहब फिल्म साज के अब्बास और दूसरे अदाकारों के साथ आए थे। तब जया की नजर उन पर पड़ी थी और उसने अपनी सहेलियों से कहा था कि इसकी आंखों में गहराई बताती है कि ये बंदा कुछ बड़ा करेगा। अमिताभ बच्चन पर एक वक्त वो भी आया था जब कोई हीरोइन उनके साथ काम करने को तैयार नहीं, और उसके पीछे कारण था अमिताभ बच्चन की फिल्मों की पै दर पे नाकामी। उस वक्त जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन के साथ काम करने की हामी भरी और फिल्म जंजीर में उनकी हीरोइन बनी। अमिताभ और जया ने ये भी तय कर लिया था कि अगर फिल्म जंजीर कामयाब हो गई तो वे इकट्ठे घूमने विदेश जाएंगे। फिल्म तो सुपरहिट हो गई, लेकिन उन दोनों को इकट्ठे छुट्टी पर जाने की इजाजत ना मिल सकी। बच्चन साहब के माँ बाप ने उन्हें कहा कि अगर तुम्हें जाना है छुट्टी गुजारने तो पहले शादी करो और फिर जाओ। और यूं 3 जून 1973 को वो जया बहादरी से जया बच्चन हो गई। और आज जब उन्हें भारतीय पार्लियामेंट के चेयरमैन ने श्रीमती जया अमिताभ बच्चन कहकर पुकारा, तो अपनी सख्त मिजाजी के लिए मशहूर जया बच्चन ने उन्हें आड़े हाथों लिया। शादी के बाद जया बच्चन ने बेटी श्वेता और बेटे फिल्म स्टार अभिषेक बच्चन को जन्म दिया। अभिषेक की पैदाइश के बाद जया ने 1981 में फिल्मों से ब्रेक लिया ताकि अपनी पूरी तवज्जो अपने बच्चों पर मरकूज कर सके। और फिर 17 साल बाद 1998 में उन्होंने गोविंद नहलानी की फिल्म हजार चौरसिया की माँ से फिल्मों में वापसी की। इस फिल्म की कहानी महाश्वेता देवी के मशहूर नावल पर मबनी थी। इसके बाद सन 2000 में रिलीज होने वाली फिल्म फिजा, जिसमें जया ने ऋतिक रोशन और करिश्मा कपूर की माँ का रोल किया। उसके बाद भी उन्होंने कई फिल्में की, जिनमें कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, लागा चुनरी में दाग के अलावा 2023 में रिलीज होने वाली फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी काबिल-ए-जिक्र है।
फिल्मों के बाद जया बच्चन ने सियासत में भी कदम रखा और समाजवादी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और जीती भी। फिल्मों और सियासत के साथ साथ जया अवामी फलाह और बहबूद के कामों में भी हिस्सा लेती रहती है। जया ने अपने फिल्मी सफर में हर तरह के रोल किए, कभी गुड्डी बनी तो कभी शरारत करने वाली मिली, और कभी फिल्म अभिमान की संजीदा सी उमा, और कभी फिल्म जंजीर की छुरियां तेज करने वाली साइकिल सवार लड़की। जया बच्चन को उनके लाजवाब किरदारों और बेहतरीन अदाकारी पर पद्मश्री समेत कई अवार्ड से नवाजा गया है। जया बच्चन दादी भी बन चुकी हैं और नानी भी। हाल ही में उन्होंने अपनी नवासी नाविया नवेली नंदा के पॉडकास्ट में शिरकत की और कई मौजूदात पर गुफ्तगू की और अपनी नवासी को मशवरे भी दिए। जया बच्चन ने एक मौके पर यह भी कहा कि मेरी बेटी श्वेता मेरी ताकत है और वो मेरे लिए अभिषेक से भी बढ़कर है, और शायद यही वजह है कि आजकल उनके ताल्लुकात अपनी बहू से कुछ ठीक नहीं है। यहाँ तक कि अभिषेक और ऐश्वर्या राय के दरमियान अलहदगी की खबरें भी गर्म हैं। देखिए क्या होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके अपनी राय से आगाह करें। खबरवाला को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए खबरवाला के साथ।